मैडम पाकिस्तान के वज़र आजम ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आए बात करें करें आ, ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वज़र अजम बने हैं भारत को आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते आ, इंडिया क्यों रेडी नहीं है आप

किसी मिनिस्टर से और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं हथियार भी जाते हैं ड्रग्स भी जाती हैं फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए चाहे पुलवामा को ले लीजिए उड़ी को ले लीजिए कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत और उसके बाद ज़ाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं अः वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे वो हमें कुछ नहीं कहेंगे आ, उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं अगर इतने ही हम सही थे इतना तो ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे तो इतनी तो 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 जल्दी क्यों छोड़ दिया रखते ना दो चार दिन यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे काँप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था तो ये तो हमारी हालत है और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे हमारे ही लोग करते रहे और बाकायदा कहते भी रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे जिसमें रिलीजियस पार्टी के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं इन्हें कुछ और तो आता नहीं है बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर जो आपने देखा एस की मीटिंग में तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए तो वो ऐसा ऐसे लोग तो नहीं लग रहे थे जो ज़रूरतमंद है या जो वो मुसीबत में है और उनको जरूरत है जो कि हर बार लोग कहते हैं पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं उसके बाद ये ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं इमरान खान ने भी यही किया और अभी शहबाज शरीफ साहब भी जब सिर्फ छः दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं अब कितनी ही गलतियां बार बार, बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया तो बस इस पर तो सर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है मैडम आपने बात की कि वो शबाज शरीफ साहब अभी जा रहे हैं इससे पहले भी शबाज शरीफ साहब अगर आपको याद हो बिलावल भुट्टो साहब गए इंडिया एक अच्छे तरीके से डायलॉग हुआ एस की कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो गई वरना शायद हमारे वजीर अजम जाते तो रिसेंटली शबाज शरीफ ने यू में भी कहा था कि हम भारत से बात करना चाहते तो पाकिस्तान तो कंटिन्यूसली कह रहा है Uh, आप जब ये कहते हैं कि ड्रग्स और ड्रोन एंड सारा कुछ तो ये जो स्टेट्स होती हैं जिनके दरमियान मिसट्रस्ट होता है तो इसमें तो जारी बात तो है दोनों मुल्क कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ये तो नहीं है कि जी एक का वर्जन 100 परसेंट ठीक है दूसरे का वर्जन 100 परसेंट ख़राब है uh, तो आपको नहीं लगता कि uh, अगर वो कह रहे हैं ड्रग्स आ रही हैं ड्रोन आ रहे हैं तो वो ये जो ये जो बात है ड्रग्स एंड ड्रोन्स की ये फर्दर चीजों को खराब करने के लिए कही जा रही है माहौल को खराब करने के लिए कही जा रही है अदरवाइज तो अः मेरा नहीं ख्याल जितना मिलिट्राइज बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का ये ड्रग्स एंड ड्रोन चल सकते हैं आ, आपको क्या लगता है आपको लगता है कि भारत की सरकार इसमें हंड्रेड सच बोल रही है इस चीज़ में सर आमिर मीर साहब का शो है उसमें उन्होंने एक मिनिस्टर साहब से बात की और वो बिल्कुल इस बात का इकरार कर रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से अः ड्रोन जाते हैं ड्रग्स लेके भी और हथियार लेकर भी अभी एक मैंने आपको बताया कि वाघा बॉर्डर के करीब एक हमारे ही इलाके में एक ड्रोन गिरा है जिसमें के आ, नहीं छह किलो शायद या आठ किलो ऐसे कुछ बताया जा रहा था ड्रग्स थी और वो ज़ाहिर है वाघा बॉर्डर के करीब गिरा है तो वो भारत ही जा रहा होगा ना वो कहीं और अमेरिका तो जाने से रहा लेकिन ये कि ये चीजें तो होती रही है हमारे यहाँ से वो कह कह के बेचारे थक गए हैं वो कितनी बार उन्होंने जो है वो सबूत भी दिए हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं की जाती कि जिससे माहौल सही हो सिर्फ ये कह देने से कि हम बात करना चाहते हैं कौन बात करेगा जब तक आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे ये पता लगे कि आपके यहाँ से उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ नहीं की जा रही आपके यहाँ से जिन लोगों को वो कह रहे हैं बार बार चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे वो मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम हो कि आपने उनके ऊपर कोई एक्शन किया है आप उनको रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं मतलब आप एफ वालों को तो उल्लू बना सकते हैं बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते उसकी एक रीजन ये कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम तो वो हमें जितना अच्छा पहचानते हैं ना कि हम कहाँ पे टोपी बना रहे हैं कहाँ पे हम ऐसे ही फजूल में बोल रहे हैं और यही बात हमारे है हम भी उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो इसलिए वहां जाके हमारा ड्रामा जो होता है ना वो फेल हो जाता है और वो इसीलिए इस किस्म की बातें वो लोग करते हैं लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि बिलावल जब गए थे तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी अभी फॉर एग्जांपल हमारे वजीर अजम शबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें दोनों मुल्क न्यूक्लियर पार्ट्स हैं आ, तो हमें इकोनॉमिक कंपटीशन करना चाहिए आ, जैसे कि मोदी साहब भी कहते थे कि आए गुरबत के खिलाफ लड़ाई लड़ें तो शबाज़ शरीफ जी हमारी हुकूमत भी यही कह रही है आप कह रही हैं हाफिज मसूद दाऊद ये सारे तो जेलों में हैं या कोई भागे हुए हैं इनके ऊपर तो केसेस चल रहे हैं तो जब बिलावल जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत ने एक अपरचुनिटी ज़ाया कर दी बिलावल से बात करने की डॉक्टर जयशंकर साहब ने एंड प्लस जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर है तो तो हम कहीं मिसकलकुलेट ना कर बैठें तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए जब जाएं तो इंडिया बात नहीं करता मैसेज भेजें तो वो बात नहीं करता

तो बिलावल ने जब पहुंचे वहा पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर उससे पहले जो कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कि आप भी जानते हैं कि सही जबान नहीं थी और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी और इस बात को ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए था ठीक है आपको उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ हो सकता है उनकी बातें आपको सही नहीं लग सकती लेकिन फिर भी बात करते हुए एक फॉरेन मिनिस्टर की लैंग्वेज और किसी और की लैंग्वेज में जो है वो थोड़ा फर्क होना चाहिए लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था उसके फौरन बात कुछ ही टाइम के बाद वो भारत गए थे तो जाहिर है वो सारी बातें लोगों को याद थी और जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया मेरे ख्याल है वो यही डिजर्व करते थे उन्होंने हरगिज उनको हार फूल नहीं पहनाने थे ना ही किसी ने उनको गले लगाना था तो, तो, ये, तो ये तो भारत की सरकार भी ये तो फिर देखिए जो स्टेट्समैन होते हैं उनका तो काम होता है रास्ते ढूंढ रहा अगर बिलावल ने मोदी साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए तो डॉक्टर जयशंकर ने भी तो कहा कि बिलावल जो है स्पोक्स पर्सन ऑफ ए टेररिस्ट कंट्री और टेररिस्ट स्टेट आपको नहीं लगता कि ये भी डॉक्टर जय शंकर ने एक पूरी पूरी पच्चीस करोड़ अवाम के बारे में ये जो बात की है अब वो भी तो गलत बात है ना आपको नहीं लगता कि माहौल बनाने के लिए दोनों लोगों को एक कदम आगे आना चाहिए बिलावल को भी उन चीज़ों पे ओवरकम करना चाहिए अपने मुल्क का बयान देना चाहिए जहाँ पे इंडिया समझता है कि जो वीक पॉइंट्स या जहां पे जो जो इंडिया इश्यूज को हाईलाइट करता है और अगर पाकिस्तान की तरफ से बातें की जा रही हैं तो उनको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बिलावल को आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी की सर देखिए डॉक्टर जयशंकर के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का तो कंपेरिजन कोई बनता नहीं है उनसे बहुत जूनियर है और पहली बार जो है वो फॉरन मिनिस्टर बने और वो भी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं अपने खानदान की वजह से बने जो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है कि पर्ची सिस्टम हो गया ख़ानदानी हो गए कि चाहे भुट्टो हों या शरीफ हों या कोई हो तो वो तो बनी जाते हैं तो उसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं है कि बिलावल को कोई काम आता था या पहले एक्सपीरियंस थे उनके मुकाबले में डॉक्टर जयशंकर को अगर खड़ा करना मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादी होगी और जो जबान उससे पहले बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल की थी तो मेरे ख्याल है उसका रिएक्शन था जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा और उसपे पाकिस्तान जो है वो इनकार भी कर सकता है लेकिन उसके लिए आपको साबित भी तो करना होगा कि वो गलत कह रहे हैं आपके यहाँ है। जैसे मैंने पहले कई नाम गिनवा इसके अलावा बेशुमार नाम है तो जो इमरान खान भी कहते रहे हैं कि यहाँ पे हर टेररिस्ट जिसका नाम कह दिया जाता है एक बार दुनिया में बात हो जाती है कि ये टेरिस वो आखिर पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है ये भी एक एक बहुत बड़ा सवाल है चाहे वो सामा बिन लादेन हो चाहे बाकी के ये जितने भी हैं तो ये सब पाए तो यहीं जाते हैं तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो अगर तो उन्होंने गलत कहा है तो उसमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं ठीक है उन्होंने रिएक्शन में बात की है नहीं करनी चाहिए थी मैं ये नहीं हरगिज ये नहीं कह रही कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए था लेकिन फिर भी आप अगर और अगर वो सही कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आप अपने यहाँ चेक करें और देख लें कि आपके यहाँ कौन है टी एल पी यहाँ पर है टी टी पी यहाँ पर है दाइश यहाँ पर है कौन कौन से एक लंबी लिस्ट है आप जानते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स की जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं चाहे वो टीएलपी एल और फिर हमारे यहाँ उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत होती है और उसके बाद वो आ जाते हैं पावर में भी बहुत बार हमने देखा उन लोगों को तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है वो और बात है कि आप एफ से निकल आए तो हमने सोचा जी वो तो हम पहले भी दो एक बार निकल कर आए एफ ए टी एफ फर्स्ट टाइम तो हम नहीं गए थे ना ही पहली बार बाहर निकले तो अगर भारत ये कह रहा है कि जी आप अपने यहाँ टेरिज्म को रोकें खत्म करें फिर हम बात करेंगे ये बात तो उन्होंने बहुत बार कही है लेकिन हमारे तो उसके ऊपर कोई किस्म का कुछ ताउन नहीं हो रहा कोई बात नहीं की जा रही अभी भी आप देखें बाजोड़ में जो कुछ हुआ उसके बाद अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि जी आप कंट्रोल करें मतलब बनाया हमने रखा हमने पाला हमने लोगों को दूसरों के लिए इस्तेमाल हमने किया अब हम कह रहे हैं अफगानिस्तान से जी तुम संभालो अफगानिस्तान कह रहे हैं आप खुद देखिए क्योंकि ये टीटीपी -टी जो है ये ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनको आखिर पाकिस्तानी तो कर रहा था नहीं ये कौन थे ये ये जनरल फैज और ये सब जाके जो पे कावा पी रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे तो आज वही हम भुगत रहे तो हमें सिर्फ भारत तो नहीं कह रहा सर अकेले भारत ने तो हमें नहीं कहा कि हमारे यहाँ टेररिज्म है या हम टेरिज्म को सपोर्ट करते हैं ये तो सभी कह रहे हैं तो क्या सब झूठे हैं नहीं तो मैडम आपको क्या लगता है ये टीटीपी को पाकिस्तान ने बनाया ये तो आ, ये तो एक दहशतगर्द जमात है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एलान जहाद किया हुआ है और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि इसको अफ़गानिस्तान ने पनाह दी हुई है और वो वहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि ये मतलब मतलब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की बात जो हुकूमत जो इस वक्त बात कर रही है उसमें कोई वजन है कि ये लोग जितने हमले कर रहे हैं आ, ये आ, ये अफ़गानिस्तान से बैठ के कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि इस बात में वजन है तो सर फिर इनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान क्यों नहीं है इन्होंने ये नाम क्यों रखा है और इसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ का आप इंटरव्यू देख सकते हैं उनकी बुक में देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि हमने जिहादी तैयार किए हमने अफगानिस्तान के लिए किए कश्मीर के लिए किए फलस्तीन के लिए किए तो आखिर जब हम ये बना रहे थे उस वक्त हमें ख्याल नहीं आया कि अभी हम दस ग्रुप बना रहे हैं बाद में ये एक हजार हो जाएंगे तो अब तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है अगर गवर्नमेंट चाहे भी तब भी बहुत मुश्किल होगा कि वो इनको जो है कंट्रोल कर पाए और ये तो हम हर बार कह देते हैं कि नहीं जी वो तो अफगानिस्तान में है तो हम अफगानिस्तान में तो हम भी घुसे हुए थे कब से बीस बाईस सालों से अफगानिस्तान में हमारा कितना आना जाना था हमने तो उसको अपना पांचवा प्रोविंस भी डिक्लेयर कर दिया था और ये सारे ग्रुप ये हम आप जानते होंगे पहले तो हम ये टीटीपी वालों को पैसे भी दिया करते थे हथियार भी दिया करते थे जब ये अमेरिकन नहीं गए थे तो उस वक्त भी टी टी पी वाले यहाँ अटैक करते थे और यही बताया जाता था कि उनको कभी हथियार दे देते हैं कभी पैसे दे देते हैं तो फिर वो कुछ टाइम के लिए बैठ जाते थे और पाकिस्तान की तरफ अटैक नहीं करते थे वो तो अब जब अमेरिकन गए हैं और वहां पे इतना असला और सामान छोड़ गए तो अब उन्हें हमारे हमसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है लेकिन कोई माने या ना माने लेकिन ये टी टी पी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये पाकिस्तान ने बनाया लेकिन मैडम ये जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है आज के दौर में जो दहशतगर्द जमातें होती हैं वो जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स होते हैं वो एक जगह पे तो ऑपरेट नहीं कर रहे होते फॉर एग्जांपल अलकायदा लंदन में भी थी अमेरिका में भी थी यूरोप में भी है पाकिस्तान में भी है तो ये जो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको पता है इंडिया तो एक रग सॉरी अफगानिस्तान तो एक रग्ड प्लेस है आप टोपोग्राफी देखें उसकी सारा कुछ देखें तो वो सारे तो बैठे वहाँ पे हुए हैं तो वो ऑपरेट वहाँ से कर रहे हैं उनको स्पेस वहाँ से मिल रही है उन्होंने अमरीका के खिलाफ मिल के जहाद इकट्ठे किया हुआ है तो जारी बात है पाकिस्तान तो जहाँ जहाँ उनको टारगेट करता है लेकिन उनकी सेफ़ हेवन वहाँ पे हैं सो so, ये जो हम अक्सर आपस में अपने ही मुल्क को तनकीद का निशाना बनाते हैं इस हवाले से इस पर आप क्या कहेंगे कि ये हमें ऐटलीस्ट इन चीज़ों पर तो इकट्ठे नहीं हो जाना चाहिए या कि आप समझते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान ख़ान साहब अगर आपको याद होगा जब वज़ी अजम थे तो वो टी टी पी की तो वो चालीस पचास हज़ार लोगों को पाकिस्तान ले आए थे और बाद में उन्होंने कहा कि अब वो अभी भी कहते हैं मैंने ठीक की है तो ये तो वो सारी बात अफ़ानिस्तान से ले आए हैं ना कहीं और से तो नहीं ले आए तो जारी बात है अभी भी उनका ऑपरेटर्स वहाँ पे मौजूद है तो इमरान खान खुद बोल रहे हैं कि हम उनको वहाँ से लेके आए हैं वो वहाँ मौजूद थे तो अभी भी वो वहीं पे बैठे हुए हैं सारे लोग तो वहाँ से नहीं आए नहीं सर देखे अगर हमें अपनी कंट्री से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए जो कि वाकई में हम चाहते हैं तो हम उसकी गलत बात को गलत ही कहेंगे हम हर चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप गलत बात को भी सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कंट्री में कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे नहीं इनको ठीक करना होगा इन्होंने जब टीटीपी बनाई अब चाहे वो अफगानिस्तान में बैठी हो या यहाँ बैठी हो या किसी भी जगह पे उसके ग्रुप्स तो जाहिर है बहुत सारे बन गए होंगे ऐसा तो नहीं है कि एक ही ग्रुप बना होगा कोई एक दिन की बात तो नहीं है सालों पहले बनाया गया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो तो आप पोलिटिकल पार्टीज को भी देख लीजिए उनके कितने ग्रुप हो जाते हैं तो फिर इस तरह के लोगों के तो होते ही होंगे मगर बात सारी ये है कि अगर ये अफगानिस्तान में भाग जाते हैं ये भी बताया जाता है जी वो अफगानिस्तान में भाग जाते हैं यहाँ पे अटैक करते हैं फिर वहां चले जाते हैं तो ये वहां जाके क्यों नहीं कुछ करते ये सिर्फ तालिबान को कहते हैं कि जी उनको रोकिए और ये वो बहाने करते रहते हैं जी वहां पे हम जा नहीं सकते अगर इंडिया यहाँ पे हमारे एरिया में आकर और यहाँ पे वो ये दावा कर सकते हैं कि हमने जो है टेररिस्ट जो कैंप थे वो उड़ा दिए असलिया आए थे तो हम क्यों नहीं अफगानिस्तान में जा सकते और जब वो लोग यहाँ आए होते तब क्या और, था? और सबसे बड़ी बात इन्होंने जितना वहां पे जहां तक मैंने सुना है आ, वो ये कि जितने भी इन्होंने केपी के में जो एरिया है जहाँ पे टी टीपी वाले अटैक करते हैं वहां पे ज्यादातर जो है वो पठान या पठानों की एक है फौज जो या समझे वो वाले लोग हैं जो पठान है वही वही वहां पर डील कर रहे हैं तो वो मारे भी वही जा रहे हैं बात भी वही करते हैं जबान भी वही समझते हैं जाहिर है कि जो या आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान की जो लैंग्वेज उसमें जब बात होती है लेकिन बात सारी ये है कि अगर ये चाहें, मुझे पूरा यकीन है अगर हमारी स्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो इनको कंट्रोल कर सकते अगर ये नहीं चाहेंगे और ये ये चाहेंगे कि वो वाला बॉर्डर जो है उधर थोड़ा हंगामा ही रहे ताकि लोग कुछ और ना पूछे कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ गई है या लोड शेडिंग हो गई है या खाने को नहीं है या और तरह की कोई प्रॉब्लम जो होती है कंट्री में उसके बारे में बारे